शादी के टाइम आपने निकाला मां पढ़ा था या आपकी बेगम ने पढ़ा था? मेहर कहते किसको है? औरत को डाइवोर्स का हक। छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ होते हैं ना, इस तरह तो घर बसेंगे नहीं। लॉ इस हवाले से क्या कहता है? द म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज इन विच प्रपोजल इज गिवन बाय ईदर पार्टी, दोनों देती हैं। राइट। बेसिक नेसेसिटीज आपके लाइफ की पूरी हो रही हैं, आपकी ईटिंग, आपके वेलफेयर, आपका शेल्टर, आपका फूड, होम, अगर तो ये चीजें फुलफिल हो रही हैं तो आई गेस तो वहाँ पे तो कॉन्ट्रडिक्शन कोई आएगी नहीं। बट ये राइट औरत को देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कानून के दायरे में मैं हूँ आपकी मेज़बान ताहिरा अली राना। नाज़रीन, शादी महज एक मजहबी या समाजी फरीजा नहीं बल्कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत लड़का और लड़की सारी उम्र साथ गुजारने का अहद करते हैं। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में बेशतर लोगों को इस बारे में आगाही हासिल नहीं कि निकाह नामा क्या है, इसमें किस किस्म के राइट्स मर्द और औरत को दिए जाते हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है माहिर कानून एडवोकेट हमज़ा। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा साहब, कैसे हैं आप? सर पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया अपने बिजी स्केड्यूल में से। सर मुझे बताइएगा कि निकाह नामा किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें कितने क्लॉज हैं? निकाह नामा बेसिकली एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। जब एक लड़का और लड़की आपस में मैरिज करते हैं तो उनको एक कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना होता है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसको हम निकाह नामा कहते हैं एज पर शरिया फॉर एंटरिंग इनटू अ मैरिज। राइट। अब इसके अंदर कोई नॉर्मली जो क्लॉजेज हम देखते हैं वो 23-25 आते हैं क्लॉजेज। जो फर्स्ट 12 क्लॉजेज हैं वो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, नेम ऑफ हस्बैंड, नेम ऑफ वाइफ, उसके फादर वगैरह, मतलब दोनों फैमिलीज की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो हम जो एसेंशियल्स होती हैं, ठीक हो गया। उसके अंदर बताया जाता है कि वो कुंवारी है, नहीं कुंवारी है, मैरिड है, अनमैरिड है, दोनों के बारे में स्टेटस बताया जाता है। फिर उसके बाद ऑनवर्ड अगर हम चलते हैं 13-16 क्लॉजेस पे, उसमें लिखा हुआ है कि आपका हक मेयर कैसे आपको मिलना है, किस किस्म का हो सकता है, वो प्रॉम्प्ट है, डेफर्ड है, ठीक है, पेड एट द टाइम ऑफ मैरिज है या आफ्टर सम टाइम, जो स्पेशल कंडीशंस होती हैं कि आप इस टाइम तक उसको पे कर देंगे। ऑनवर्ड उसके बाद चलें तो उसके अंदर 15 क्लॉज जो है वो स्पेशल कंडीशंस पे बताता है, अगर तो कोई रखी जाती हैं देन इफ एनी। अच्छा चलिए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले मुझे स्टार्ट प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछूंगी, मैरिड हैं आप? हाँ जी मैं मैरिड हूं। अच्छा माशाल्लाह। शादी के टाइम आपने निकाह नामा पढ़ा था या आपकी बेगम ने पढ़ा था? बीइंग अ लॉयर तो वैसे तो मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में तो काफ़ी निकाह नामे देखे हुए हैं, बट द थिंग इसकी थॉरो रीडिंग करना कि आप स्टेप बाय स्टेप देखें, सारे क्लॉजेस को पढ़ें और उसको अंडरस्टैंड करें, वो फर्स्ट टाइम ही मैंने कल पढ़ा था। अच्छा तो मतलब शो में आने से पहले फर्स्ट टाइम। नाज़रीन देखें, हमारे लॉयर हैं लेकिन उन्होंने भी निकाह नामा कल जो है वो फर्स्ट टाइम पढ़ा। ये एक मुआशरे का, हमारे मुआशरे का, हमारी सोसाइटी का एक बड़ा अहम मसला है कि हमारे यहाँ मेजोरिटी लोग निकाह नामे को थोरो स्टडी नहीं करते, उनको पता ही नहीं होता कि किस किस्म के राइट्स एक औरत को दिए जा रहे हैं, हमारा कानून किस किस्म के राइट्स एक मर्द को देता है। सर बताइएगा कि जो हमारा जो एक चल रहा है, आपने बताया कि 1-12 जो बेसिक हमारी इंफॉर्मेशन होती हैं दोनों फैमिलीज़ की, 13 से ऑनवर्ड मेहर के हवाले से बताइएगा कि शरई मेहर एक लिखा होता है कि जी शरई मेहर दे दिया जाए। बहुत से जगह अगर हम देखें निकाह नामा तो वहाँ पे लिखा होता है कि शरई हक मेहर, तो शरई हक मेहर बेसिकली है क्या? बेसिकली शरई हक मेहर ये होता है कि आप मेहर कहते किसको है, बेसिकली एक गिफ्ट होता है, आपने एट द टाइम ऑफ मैरिज जो अपनी वाइफ को विद द कंसेंट ऑफ हैप्पीनेस खुशी से जो देते हैं उसको मेहर कहते हैं। ठीक है। अगर आप पीछे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें, शरी की बात करें, तो दो खजूरें भी कहा जाता था कि आप मेहर में दे सकते हैं। सही। कि जिसमें आपकी खुशी है या आपकी हैसियत है, बाहैसियत दे लें। और जो शरीयत है वो कभी किसी को मतलब तंग नहीं करती। बेसिकली शरीयत तो कहती है कि आप मैरिज करें, निकाह कॉन्ट्रैक्ट में आए ताकि काफ़ी चीज़ें चेंज हो सकें। फॉर इंस्टेंस इससे काफ़ी चीज़ गुनाह रुकते हैं, डेट्स सेंस लोग बचते हैं। तो अब जो मेहर है वो काफ़ी एस्पेक्ट्स में हो सकता है। अगर हम बात करें ना मॉडर्नाइजेशन की, आज हम जिस स्टेट में आगे हुए हैं, अब यहाँ पर आप मेहर इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स, जो ज्वेलरी के आपके आप जेवरात पहनते हैं, किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, इवन दो कि आप प्रॉपर्टी लैंड जो है। लेकिन सर आपकी बात यहाँ पे काट रही हूँ कि बहुत सी जगहों पे मैंने ये खुद पढ़ा देखा कि मेंशन नहीं होती चीज़ें, शरीयत में मेहर लिख दिया या ज़मीन है तो वो कितनी ज़मीन, किस जगह पे ज़मीन, ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं की जाती। लॉ इस हवाले से क्या कहता है? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आपकी जो इंटेंशन है, कंसेंट ऑफ हैप्पीनेस है कि आपने खुशी से क्या गिफ्ट करना है, तो है। उसमें आप 10 लाख दे दें, उसमें आप 20 लाख दे दें, आप 1 करोड़ दे दें, अकॉर्डिंग टू योर विल, जो आपकी खुशी है सही उसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी दे सकते हैं। अगर हम शरीयत की बात करें, हमारा जो शरीयत है वो बहुत सिंपल है। सिंपल है बिल्कुल। देखिए मैरिज हम करते हैं कि हम बेसिक हमारी थॉट होती है कि लड़की का घर बसे, लड़की खुश रह सके इन एनी वे। सही। तो अब एक शादी हुई है, मेहर बेसिकली डिफाइन तो गिफ्ट किया गया ना कि आप गिफ्ट दें, शादी हुई है ताकि आपकी बेगम खुश हो, बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ अ गिफ्ट। ठीक है। अब
बात करते हैं कि वो मनी के फॉर्म में हो सकता है, वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, वो प्रॉपर्टी हो सकती है, प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है। अब आपकी विल है, आपकी खुशी, तो आप जितना मर्जी उसको दे दें। ठीक है। अच्छा, 18 एंड 19 लॉ यहाँ पे जो लिखा हुआ है शेख, उसमें ये मेंशन है औरत को डिवोर्स का हक, इस पर थोड़ा सा ज़रा हमें बताइएगा, क्योंकि बड़ा इशू है कि बहुत से निकाहनामों पर हमारे जो है वो निकाह से पहले ही इन दोनों पोर्शंस पे क्रॉस लगा दिया जाता है। ये क्रॉस क्यों लगाया जाता है, इसमें खातून को कौन सा राइट है जो हमारा कानून या हमारी शरीयत उसको दे रही है? अच्छा, इस पे अगर हम बात करते हैं ना, बेसिकली अगर तो देखें जो एक डिवोर्स है ना, बेसिकली वो बड़ा अनलाइकेबल सा एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, जो कि अगर हम बात करें तो तलाक एहसन जो नबी पाक ने बताया कि सबसे बेहतरीन तलाक अगर देनी हो तो आप देके फारिग करें, लेकिन वो उनको प्रोसीजर अमल खुद भी पसंद नहीं था। बिल्कुल ऐसे है, ना पसंदीदा अमल था। अब ये काटते क्यों हैं, इसकी अवेयरनेस नहीं है, और ये क्यों लिखा गया, मेंशन इसलिए किया गया है। देखें, एक हस्बैंड के पास राइट है ना, बिल्कुल, वो तीन तलाकें देगा तो मैरिज डिसॉल्व हो जाती है। बेसिकली फॉर द डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज दिस राइट हैज बीन एंटर्ड इनटू दिस निकाहनामा, दिस पेपर इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर होता ये है, बेसिकली औरत को क्यों नहीं दिया जाता ये राइट, देखिए सेंटिमेंट्स होते हैं, आपको भी पता है कि बीइंग अ वुमन यू हैव सम इमोशनल अटैचमेंट्स विद योर हाउस, थोड़ी सी लड़ाई होती है तो आप फिर उसके जो एक हमारी माशरे में सोसाइटी में टाइम है उसके चले जाना। यूजुअली ये कहा जाता है कि खातून जो है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, सेंटिमेंट्स है ना उसके अंदर, तो वो गलत कदम ना उठा ले। टू सम एक्सटेंट अगर आप देखें जो मर्द हैं वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, खातून भी कर सकती है, कर सकती है, बट द थिंग इज कि यू हैव टू एजुकेट देम बिफोर गिविंग दिस राइट ना, आप उनको ऐसे प्रॉपर एजुकेट करेंगे, इसको मतलब एक राइटफुल मैनर में यूज़ करें ना, पॉजिटिव मैनर में यूज़ करें। तो हमें बेहतर ये है कि हमें खातून को एजुकेट किया जाए, बजाय इसके कि हम इसको बेसिकली इन्फॉर्म या बताए बगैर उसको जो है वो डायरेक्ट उसका राइट से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। हम उसको एजुकेट करें, हम उसको बताएं और उसके बाद फिर उसको ये राइट दें। देखें ना, अब मैं वही आपको कह रहा हूँ कि आप प्रॉपर एजुकेशन अगर किसी को देंगे ना, दे हैव राइट। देखें, अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, बैकवर्ड एरियाज में आप चले जाएं, वहाँ पे एजुकेशन का क्या मतलब स्कोप है वो आपको भी पता है, जीरो स्कोप है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो जाना, इस तरह तो घर बसेंगे नहीं। काटा क्यों जाता है, मैं आपको उसकी एक रीज़न बता रहा हूँ। बेसिकली अगर ये राइट गिवन है औरत के लिए, जाहिर है एक बड़ा पेनफुल प्रोसीजर होता है कि आप कोर्ट में जाएँ, खुला फाइल करें, और एक लेंथी प्रोसीजर भी है, जो वुमेन है वो खुला कॉप करती है ना, और ये उस बेसिकली उन्होंने ये उसका मुतबादल दिया हुआ है आपको कि आप दे सकते हैं, इसमें कंडीशंस भी हो सकती हैं। अच्छा, ये जो इसमें क्या है कि खातून एक मर्द को जिस तरह से एक आदमी तीन दफ़ा तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल करके ज़िंदगियां ख़त्म हो गई, मैरिज डिसॉल्व हो गई, औरत भी ऐसा कर सकती है? एग्जैक्टली, देखें ना, तलाक तो तीन ही है ना, तलाक का प्रोसीजर तो चेंज नहीं होगा, वो वुमन दे या मैन दे, ठीक है, द प्रोसीजर ऑफ दैट डिवोर्स विल बी द सेम, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ, इसके अंदर कुछ कंडीशंस आती हैं डिवोर्स की। फॉर इंस्टेंस, के दूसरी शादी में चला जाता है मर्द, वो इजाज़त नहीं लेता, उसकी कंसेंट नहीं लेता, तो ये कंडीशन आ गई ना एक, अगर आप ये निकाहनामा में लिखते हैं कि अगर ये मेरी बगैर इजाज़त के दूसरी शादी करता तो मैं इसको डिवोर्स कर सकती हूँ, और ये हक किसी ने मुझे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर शोहर हक किसी और को तो नहीं देगा ना, ऑब्वियसली, तो वो जो मैरिज वो फौरन डिसॉल्व हो जाएगी, कोई भी दे देगा उसको, जी आपके शोहर ने मुझे अपनी जो राइट एक पावर डेलीगेट की थी, मैं आपको तीन तलाकें देता हूँ उसकी तरफ से। डेलीगेशन ऑफ पावर बेसिकली इसको कहते हैं, ये भी डेलीगेशन ऑफ पावर है कि एक मर्द अपना राइट वमेन को दे रहा है, क्या भी तलाक दे सकती हैं विद द सेम मैनर, विद द सेम प्रोसीजर जो मैं ऑप्ट करता हूँ, बिल्कुल ठीक है। तो इसके अंदर ना कुछ कंडीशंस होती हैं, जिस तरह मैंने आपको एक अभी एग्जांपल दी ना सेकंड मैरिज की, विदाउट द कंसेंट ऑफ अ फर्स्ट वाइफ, इफ यू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेकंड मैरिज देन देयर विल बी अ कंडीशन दैट अ वुमन हैव द राइट टू डिवोर्स इफ दैट राइट इज गिवन बाय अ हस्बैंड टू हर वाइफ ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। निकाह होते वक्त अगर ये लिख देते हैं ना, एक कंडीशन लिख दी जाए, उस पर वो दे सकती है, ठीक है, आप कंडीशंस मेंशन कर सकते हैं। और हमारे यहाँ मर्द ये राइट औरत को देते हैं? बेसिकली देखें, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, वही बात की एजुकेशन की कमी है और हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है। अब साइंस आप पढ़ते हैं, साइंस में आप डिफरेंट एलिमेंट्स पढ़ते हैं, मैटर पढ़ते हैं, आपको पता होगा कि आग का ही काम है पानी को बुझाना, ठीक हो गया, सो यू हैव द बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड यू कैन यूज दैट इन्फॉर्मेशन इन एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, राइट, कहीं आग लेगी क्या पानी फेंक देंगे। अब ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर आप यहाँ देखें ना, तो एजुकेशन ही नहीं है, पता ही नहीं है कि राइट देना है कि नहीं देना। अब यहाँ पर बात करते हैं, कुछ वुमेन्स ऐसी हैं, हमारे पास केसेस भी आते हैं, कि उनको पता होता है कि दैट दे हैव द राइट, वो बात करती हैं शादी से पहले। देखिए ना, आप किसी बात से मैं बात करूँगी कि हमारे यहाँ जो सोसाइटी का एक बिहेवियर है कि अगर खातून शादी के टाइम पर बात कर ले कि उसके राइट्स क्या हैं, अपने राइट देने की कोशिश करे, तो उसको इतना अच्छा समझा नहीं जाता। नहीं, बेसिकली ये देखेंगे फिर वो ये बैकवर्ड सोच है,
आप जितना बैकवर्ड चले रहे हैं तो ये उतना ही आप नेगेटिव एस्पेक्ट में चलते जाएंगे। अब यहाँ पर ये है कि जो एक फादर है, देखें अब कहा जाता है कि बाप अपनी बेटी को शादी में सब कुछ देता है, अगर उसके बस में हो तो वो नसीब भी खरीद के दे दे बेटी को, ऐसे ये कहा जाता है। ऐसे तो अब एक अगर बाप है वो अपनी बेटी को अंडरस्टैंड कर रहा है, और एक देखे ना इसके अंदर की रिलेशन बड़ा जरूरी है एक डॉटर और फादर के दरमियान में, और ये एक एजुकेशन के थ्रू आएगा ना कि आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो जाती है। अगर तो दोनों एजुकेटेड हैं, वो एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो बात करेंगे। बेसिकली निकाहनामे में होता क्या है, दो पार्टीज है ना वो एक दूसरे को ऑफर्स देती हैं, ठीक है, एक्सेप्ट हो जाती है तो शादी हो जाती है, मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट है दोनों पार्टीज की तरफ से। एग्जैक्टली दिस इज द म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज इन व्हिच प्रपोजल इज गिवन बाय ईदर पार्टी, दोनों देती हैं, राइट, ठीक है। तो उसमें जो उनकी म्यूचुअल कंसेंट होती है उस पे वो निकाह कर लेते हैं। सही। अच्छा एक यहाँ पॉइंट है 21 में लिखा हुआ है कि मेंशन किया जाए कि अगर मर्द पहले से तलाक याफ्ता है या उसकी पहले से मैरिज शादी हुई हुई है, तो बहुत से लोग अक्सर ऐसा कर देते हैं कि शादी शुदा है लेकिन मेंशन नहीं करते, लिख दिया कि भाई कब आ रहा है। इस हवाले से बताएं कि कानून क्या औरत बाद में इस चीज़ को कोर्ट में जाके कर सकती है परसों के जी मेरा हस्बैंड मैरिड था या उसने निकाहनामे ये शो कराया कि वो कवारा था। चले मैंने आपको पहले बताया था कि जो फर्स्ट 12 पॉइंट्स है ना वो बेसिक इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन, अगर आप उसके अंदर देखें ना उसके अंदर फोर्थ या इधर फिफ्थ पॉइंट है जहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्या दूल्हा पहले से शादीशुदा है, आप कहीं देख लें आपके पास निकालना पड़ा बिल्कुल ऐसे ऐसे उस पर लिखा होता है कि दुल्हन भी उसमें वर्ड यूज किया हुआ है रंडवा है या कुंवारा, बिल्कुल ऐसे रंडवा है या तलाक याफ्ता है, तलाक याफ्ता है अनमैरिड मैरिड व्हाटएवर वो पीछे लिखा जाता है, ठीक है। जो ये वाला क्लॉज है ना ये जिसमें आपने पूछा ये बेसिकली है अबाउट सेकंड मैरिज, ठीक है, कि अगर पहले से मैरिड है वो, सही, अगर वो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है दूसरी शादी कर रहा है, नहीं अगर वो बता ही नहीं रहा वो मैरिड है पहले से लेकिन वो बता नहीं रहा, वही आपको बता रहा हूँ ना शादीशुदा है पहले शादीशुदा है लेकिन आगे नहीं बता रहा ना, सही। सो बेसिकली वो फैब्रिकेट कर रहा है ना चीज़ों को, झूठ बोल रहा है, मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है, बता ही नहीं रहा। तो उस पर अगर तो वुमन चाहे उसकी दूसरी वाइफ की बात ही कर रही है ना, क्योंकि ऑब्वियसली पहली को तो उस पर एतराज होगा ही होगा, जो दूसरी वुमन है वो ले सकती है, खुला फाइल कर सकती है, कोर्ट में जा सकती है फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, अगर तो वो अपनी ईगो पे इनाह के खिलाफ बात ले रहती है कि हमें मिस गाइड किया गया, मिस रिप्रेजेंट किया गया। इजाजत नामे की जरूरत होती है कि वो निकाह नामे के साथ अटैच किया जाए इन केस ऑफ सेकंड मैरिज, कि अगर वो मेंशन कर रहा है कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ तो इजाजत नामा इस निकाह नामे के साथ लगाना जरूरी है। देखें वो आप लगा लें ना लगाएं, अगर आप लिख देते हैं कि मैंने मतलब आपने बता दिया तो ये कि उनकी तरफ से आ गया कि पहले से मैरिड है, नेक्स्ट पार्टी को पता हो कि पर्सन वॉज मैरिड, उसमें देखें आपको ये चाहिए होता है कि पहली वुमन है ना उसकी कंसेंट चाहिए होती है कि हाँ उसने एग्री किया है कि आप जा सकते हैं इसके कॉन्ट्रैक्ट सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में जा सकते हैं, बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है वो फर्स्ट वाइफ की तरफ से है ना, उनके एग्रीमेंट हो गया। एग्जैक्टली, क्योंकि जब आपने शादी करनी है चाहे आप दूसरी करें तीसरी करें उसमें पहले ही मेंशन है कि आप बताएं पहले से शादीशुदा है, अगर है तो उसकी बीवी का नाम वो ऑलरेडी मेंशन है पहले जो 12 क्लॉसेस है उसमें ऑलरेडी मेंशन है ना। अब जो ये क्लॉज 21 है बेसिकली ये जो बात करता है वो ये बात करता है कि अगर तो वो दूसरी मैरिज में जा रहा है तो क्या उसने पहली बीवी से इजाजत ली है, ठीक होगा, उसकी एक्सेप्टेंस ली है अकॉर्डिंग टू हर ब्लेसिंग्स एंड विल वो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है सेकंड मैरिज कर रहा है। एग्जैक्टली, वो उसका सर्टिफिकेट अगर है आप दिखा दें एट द टाइम ऑफ मैरिज, अगर तो देखें पहली वाली से इजाजत मिल गई है वो दूसरे वालों को एतराज ही नहीं है, आपने उनको बता दिया है, देन ऑब्वियसली ये तो एक राइटफुल पीसफुल कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, ठीक है। महाना खर्च की भी बात इसमें की गई है कि मर्द मेंशन करे या खातून को महाना कितना खर्च देता है इन केस के अगर उसके हालात कुछ इस किस्म के हो जाते हैं कि वो खर्च नहीं दे पाता उतना, तो देन फिर क्या कानून इस बारे में हमें बताएं आप, ठीक है। देखें मैंने आपको बताया था बेसिकली जो निकाला मैं इट्स अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में आता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कह लें सिविल कॉन्ट्रैक्ट कह लें। अब इसके अंदर देखें आज जो हमारा ज़माना है इसमें जो वुमेन है वो भी वर्किंग है, वर्किंग वुमेन है, मोस्टली वर्किंग वुमेन। अब तो रिक्वायरमेंट ही बेसिकली दूल्हा ये सेट करते हैं मेरी बीवी भी कमाती हो, वो चल नहीं पाता ना घर का सर्कल नहीं चल पाता। एग्जैक्टली, हम मिल के चले ना कि अब वो भी प्रॉपर स्टैंड ले, क्योंकि आज अब जो मर्द हज़रात हैं वो इतने एजुकेट हैं दैट दे लाइक दैट देयर वाइफ शुड बी अ वर्किंग लेडी, रिक्वायरमेंट भी है यार वो पसंद भी करते हैं, पसंद भी करते हैं। तो देखें अब उसके अंदर तो आई गेस आप लिख दें अगर के 10,000 दे दिए, अगर वो नहीं दे पाता 10,000 बाद, मैं वही बता रहा हूँ, अगर ये देखें ना बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है ना तो इसके अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने के लिए ना आपको वो एसेंशियल एलिमेंट्स पूरे करने पड़ते हैं। सही। अगर इसके अंदर लिख दिया जाता है और वो वर्किंग लेडी नहीं है, वो 10,000 दे रहा है, वो 20,000 दे रहा है, करंट सिनेरियो में अगर बात करें तो आपने देखा COVID-19 आ गया था, लॉकडाउन लगा, काफी लोगों के हालात खराब हुए, बेरोजगार हुए लोग बहुत ज्यादा। अब यहाँ पर थोड़ा सैक्रिफाइस वुमेन को भी करना चाहिए ना, उसकी वाइफ को भी, वो देखे कि उसका हस्बैंड अर्निंग नहीं कर रहा, उससे पहले तो फुलफिल कर रहा था ना उसने, वो ये देखे बेसिकली बेसिक नेसेसिटीज आपके लाइफ की पूरी हो रही है, आपकी ईटिंग, आपकी वेलफेयर, आपका शेल्टर, आपका फूड, होम,
अगर तो ये चीज़ें फुलफिल हो रही हैं तो आई गेस तो वहाँ पे तो कॉन्ट्रडिक्शन कोई आएगी नहीं। ठीक है, अब सेकंड बात ये करता हूँ कि अगर वो कहती है कि मुझे हर हाल में चाहिए तो ये तो उसकी जिद है ना आना है। अगर आप कोर्ट में भी आते हैं ना तो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज खुला जब आप फाइल करते हैं तो जब तक खुला होती नहीं है ना आप कोर्ट मेंटेनेंस लगा देती है पर मंथ आप अपनी वाइफ को एक्सपेंडिचर्स तो दें जो उसकी बेसिक लिविंग है उसमें उसके शेल्टर आते हैं अगर उसको बच्चे है उसकी एजुकेशन है उसके बाद उसकी स्कूल फीस है व्हाट्स एवर जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स हैं आपको इन राइटिंग देने पड़ते हैं आपको प्रूफ करना पड़ता है कि सर फॉर लेवलीहुड मेरे ये एक्सपेंडिचर्स हैं मेरे एक्सपेंसेस हैं मेरे फिर वो कोर्ट देखती है कि ऑन दैट सेम करंट सर्कमस्टांसिस के जो उसका मर्द है वो हस्बैंड है वो कितना मतलब अर्निंग की उसकी कितनी है सैलरी कितनी है उस पे कोर्ट फिर डिटरमिन करती है वो एक अमाउंट फिक्स हो जाती है जो उसको पर मंथ देनी पड़ती है। अब ये देखना ये मेंटेनेंस है थ्रू कोर्ट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जब आपकी मतलब मैरिज डिसॉल्व हो रही है ना तब तक कोर्ट जब तक वो अपने माँ बाप के घर है लेकिन है तो उसके निकाह में ना बिल्कुल ये डिटरमिन कर देती है अब वो थ्रू कोर्ट देता है। ठीक हो गया, अब तो ये फिर वही बात आ जाती है कि आप रहना चाहते हैं आपकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो रही हैं है, आपको खुश रख रहे हैं तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए बेसिकली। अब मैरिज का जो ये है ही कॉम्प्रोमाइज का कि आप अब देखिए नो वन इज परफेक्ट। ठीक है, लास्ट में थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि रजिस्ट्रेशन के हवाले से कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं निकाहनामा को रजिस्टर नहीं करवाते यूनियन काउंसिल में नादरा में रजिस्टर नहीं होता उस हवाले से जो है वो क्या लॉ कहता है थोड़ा सा जरा हमारे नाज़रीन को इस बारे में बताइएगा। देखें व्हेनेवर यू हैव टू कम टू कोर्ट यू नीड एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट राइट। अगर आप एक चीज़ को कोर्ट में प्रूव ही नहीं कर पा रहे यू डोंट हैव अ डॉक्यूमेंट अब उसके अंदर स्नैरियोज देखे जाते हैं पीछे हमारे पास काफ़ी प्रेसिडेंट्स हैं केस लॉज हैं जिसमें बताया जाता है कि आपके गवाहान होने ज़रूरी हैं। ठीक है, हो गया। गवाहान अगर गवाही देते हैं बट इन द एंड यू स्टिल नीड द डॉक्यूमेंट मतलब आपको एक कंप्यूटराइज जो है वो अपने निकाहनामे को करवाना चाहिए। एग्जैक्टली करवाना चाहिए, बिल्कुल करवाना चाहिए। आपको देखें आईडी कार्ड हम लेते हैं ठीक है क्या हम सिटीजन हैं हमारे पास नेशनैलिटी है पाकिस्तान की तो इसी तरह ही शादी है आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज तो होना चाहिए कंपलसरी डॉक्यूमेंट है ना आपका। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। आपको बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन आपने देखा कि निकाहनामा कितना अहम डॉक्यूमेंट है जिसमें दोनों फरीकैन बैठ के सारे मामला तय करते हैं और उसके बाद इस पर साइन करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्रोग्राम आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी शादियाँ होने वाली हैं। इसी के साथ मुझे ताहिर अली को इजाज़त दीजिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफ़िज़।